स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैंड्रा एडवांस एजुकेशन। दिस इज जनरल नॉलेज एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 20। द नेम ऑफ द लेसन इज गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के उपहार। बच्चों, हमें प्रकृति के द्वारा बहुत सारे उपहार दिए गए हैं, जैसे जल है, पानी है, जल, वायु और पेड़ पौधे आदि। ये प्रकृति के द्वारा दिए गए अमूल्य उपहार हैं, जिनका मनुष्य के द्वारा बुरी तरीके से दोहन किया जा रहा है, उनका नाश किया जा रहा है, जो कि एक दिन मनुष्य के विनाश का कारण बनेगा। पृथ्वी पर पीने का पानी, जल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और पानी को बुरी तरीके से बहाया जाता है, वेस्ट किया जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि पीने का पानी नहीं रहेगा, जिसके बाद फिर मनुष्य का विनाश निश्चित है। तो हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार की कदर करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के इस लेसन में हम प्रकृति के द्वारा दिए गए कुछ उपहार के बारे में ही पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेसन। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द आंसर गिवन द हेल्प बॉक्स। हम जो फ्लप्स दिए गए हैं, इनके आंसर हेल्प बॉक्स की सहायता भी से भी फिल कर सकते हैं। इस लेसन में हेल्प बॉक्स दिया है, इस हेल्प बॉक्स की सहायता से हम लेसन को फिल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, बाल्ड बर्ड। बाल्ड बर्ड इज द नेशनल बर्ड ऑफ USA। बाल्ड बर्ड जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल पक्षी है, मतलब राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट वन, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। नंबर थर्ड, नील ऑफ इजिप्ट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन सी। नील नदी जो है, नील नदी कहाँ पर है? नील नदी इजिप्ट में है, मिस्र में है। तो नील नदी जो है ये संसार की सबसे लंबी नदी है, जो कि भूमध्य सागर से में बहती है। नेक्स्ट वन, माउंट सरमती इज़ द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड। माउंट सरमती जो है ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट वन, लोकतक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लोकतक लेक, लोकतक झील इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट मीठे पानी की झील है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। नेक्स्ट वन, द एंडीज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एंडीज जो है ये संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट वन, रेड सी, रेड सी लाल सागर इज ए सी वाटर इनलेट ऑफ द इंडियन ओशियन लिंग बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। लाल सागर इज ए सी वाटर इनलेट, ये सी वाटर इनलेट है इंडियन ओशियन का, जो कि अफ्रीका और एशिया के बीच में पड़ता है, मध्य में पड़ता है। नेक्स्ट वन, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन वाया आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर के माध्यम से जो आर्कटिक ओशियन है, ये बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर, और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन, गुआना बारा इज द बे एट हूज एंटोस द सुगर लूफ माउंटेन ऑफ ब्राज़ील इज लोकेटेड। गुआना बारा
वह खाड़ी है जिसके किनारे पर ब्राजील का सुगरलोफ पर्वत स्थित है। नेक्स्ट वन सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, तो सहारा डेजर्ट क्या है? सहारा डेजर्ट इज द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड इन नॉर्थन पोर्शन ऑफ एशिया। सहारा डेजर्ट संसार का थर्ड नंबर का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका के नॉर्थन पोर्शन में है। एंड ऑल्सो इट इज़ द वॉट्स हॉटेस्ट एंड ड्राइस्ट डेजर्ट, और इसके अलावा ये संसार का सबसे गर्म और ड्राइस्ट सूखा रेगिस्तान है। नेक्स्ट वन रोम स्टैंड्स ऑन द प्लेन्स ऑफ द रिवर टाइबर। जो रोम है ये स्टैंड मीन्स है, स्थित है। रोम स्टैंड ऑन द प्लेन्स ऑफ द रिवर टाइबर, जो रोम है वो रिवर टाइबर के मैदानों में है। नेक्स्ट वन हिमालयस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है वो संसार की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने गिफ्ट ऑफ नेचर प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों के बारे में बात की। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिले, और एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।